कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है। पुलिस द्वारा लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए आग्रह के बाद भी काफी संख्या में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस अब सख्त हो गई है। बता दें कि समस्तीपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से रोसड़ा पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और पुलिस द्वारा अब सुबह शाम शहर में पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है, जहां भारी संख्या में और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जो शहर और अलग अलग गांव में भ्रमण करते हैं। जो लोग अनावश्यक बाइक और कारों से शहर में घूम रहे हैं और जो दुकानदार बिना मास्क लगाए हुए सामान बेच रहे हैं, उन दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है। हालांकि कुछ लोगों की मनमानी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इन वजहों से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी राहत की घोषणा हुई तो लोग सड़कों पर निकल आए। देखिए दुकान के सामने क्या बना हुआ, घेरा बना हुआ है। अब कहाँ रह रही है? दूसरा में ना, कितना दिन से दूसरा में रह रही है? दूसरा में कहा रहा तो पता है ना कि पुलिस मना कर रही है कि बिना मास्क के नहीं निकलिए। अब क्यों निकल गए? मालूम है ना कि यहाँ समस्तीपुर में मिल गया है। वहीं रोसड़ा थाना सह इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो दवा और सब्जी खरीदने के नाम पर बाइक और चारपहिया वाहन से अनावश्यक घूमते नजर आ रही हैं। इन लोगों की बाइक जब्त कर चालान काटी जा रही है। सामान मत दीजिए बिना मास्क वाला को। आप कहीं सामान दे रहे हैं, पता है ना कि समस्तीपुर में आ गया है, और इस तरह से बांटिएगा सबको तो आप खुद लीजिएगा, सबको भी दीजिएगा। क्या फायदा ऐसा करने से? थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंस का बताया गया वो पालन करिए, ऐसा करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बता दें कि कुछ ऐसी भी महिला हैं जो बिना मास्क लगाए हुए घर से निकल पड़ते हैं। उनके लिए महिला पुलिसकर्मी उन्हें रोककर लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ कड़ी चेतावनी दी जा रही है। इतना ही नहीं, महिला पुलिसकर्मी घरों के आसपास भी घूम रही हैं, जिससे महिला भी लॉकडाउन का पालन कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।